हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे RBSE की सातवीं क्लास की हिंदी की किताब का पाँचवा चैप्टर वीरेश्वर की यात्रा। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, सोचें और बताएं। इसमें पहला है, वीरेश्वर धाम का मेला कब भरता है, मतलब जो वीरेश्वर धाम का मेला है वो कब लगता है। आंसर होगा, वीरेश्वर धाम का मेला माघ शुक्ल एकादशी से कृष्ण पंचमी तक भरता है। फिर मेले में कौन कौन से प्रदेश के लोग आते हैं, तो मेले में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग आते हैं। फिर माऊ जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो माऊ जी का जन्म सांवला डूंगरपुर में हुआ था। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो शब्द दिए गए हैं वो आपको लगाने हैं रिक्त स्थान में, खाली जगह पर। पहला है, वीरेश्वर का मुख्य मेला को भरता है, तो वीरेश्वर का मुख्य मेला माघ पूर्णिमा को भरता है। फिर को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो वीरेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। फिर माऊ जी महाराज का जन्म में हुआ था, तो माऊ जी महाराज का जन्म सांवला डूंगरपुर में हुआ था। फिर है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है, वीरेश्वर किन किन नदियों पर स्थित है, तो वीरेश्वर सोम, जाखम और माही नदियों के संगम पर स्थित है। फिर है, शिव मंदिर किसने और कब बनवाया था, तो शिव मंदिर डूंगरपुर के महारावल आसकरण ने 500 वर्ष पूर्व बनवाया था। फिर है, मेले की सारी व्यवस्थाएं किसके निर्देशन में होती हैं, तो मेले की सारी व्यवस्थाएं सांवला पंचायत समिति डूंगरपुर के निर्देशन में होती हैं। फिर आपके हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। में पहला है, माऊ जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथों के नाम लिखिए, तो माऊ जी महाराज ने 5 ग्रंथों की रचना की। ये हैं सोम सागर, प्रेम सागर, मेघ सागर, रतन सागर तथा अनंत सागर। इनको बागड़ी भाषा में चौपड़ा कहा जाता है। इनके चौपड़े में भविष्यवाणियाँ लिखी गई हैं। चौपड़े की भविष्यवाणियाँ अब तक सत्य होती रही हैं। फिर है, माऊ जी के बाद गादी पर कौन बैठी, तो माऊ जी के बाद गादी पर उनकी पुत्रवधु जनक कुंवारी बैठी। ये 80 वर्षों तक गादीपति रही। इन्होंने ही हरिहर जो श्री कृष्ण का मंदिर, इसको बनवाया था, श्री हरि मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर मेले की शुरुआत कैसे होती है, तो मेले की शुरुआत सांवला गादी के महंत हरि मंदिर पर झंडा फहराकर करते हैं। उस समय चारों ओर माऊ जी महाराज की जयकार होती है। फिर आपके हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है, मेले में आदिवासियों की संख्या पूर्णिमा के दिन सबसे अधिक क्यों होती है, कारण सहित उत्तर लिखिए। आंसर होगा, वैसे तो वीरेश्वर धाम के मेले में आदिवासी पूरे उत्साह से भाग लेते हैं, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन मेले में आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक रहती है, क्योंकि इस दिन बहुत से आदिवासी अपने परिवार के मृत लोगों के फूल लेकर आते हैं। तो इस दिन क्या होता है, बहुत से आदिवासी जो होते हैं अपने परिवार के मृत लोगों के जो फूल होते हैं, जो लोग मर चुके हैं उनके फूल लेकर, चिता में चुनकर जो लाई गई हड्डियां होती हैं उनको लेकर आते हैं। मतलब लोगों के जो फूल होते हैं, मृत लोगों के फूल, मतलब जो लोग मर चुके हैं उनकी चिता जो ठंडी हो जाती है, फिर उनकी जो हड्डियाँ होती हैं उसको बीन कर लाते हैं, चुन कर लाते हैं, यही मृत लोगों के फूल कहलाते हैं, उनको लेकर आते हैं। तो ये लोग पूर्णिमा के दिन अस्थियों को संगम की धारा में प्रवाहित करते हैं। ये उनकी बहुत पुरानी परंपरा है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि वीरेश्वर मेले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आंसर होगा, वीरेश्वर धाम राजस्थान के डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा की सीमा पर स्थित है। यहाँ सोम, जाखम और माही नामक नदियों के संगम में स्थित एक टापू पर यह मेला लगता है। तो जो ये मेला लगता है वो सोम, जाखम और माही नदियों का जो संगम है वहाँ पर एक टापू है उस पर लगता है। तो यह मेला माघ शुक्ल एकादशी को आरंभ होकर कृष्ण पंचमी तक चलता है। टापू पर वीरेश्वर शिव का मंदिर है, जिसे 500 वर्ष पहले डूंगरपुर के महारावल आसकरण ने बनवाया था। इस मेले से इस स्थान के प्रसिद्ध संत माऊ जी का नाम जुड़ा हुआ है। माऊ जी का जन्म सांवला में, जो डूंगरपुर में है, 18वीं शताब्दी में हुआ था। माऊ जी की पुत्रवधु जनक कुंवारी ने यहाँ महर मंदिर की स्थापना की थी। टापू पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मंदिर हैं। मेले का आरंभ सांवला गादी के महंत करते हैं। मेले में सभी तरह की वस्तुओं की दुकानें लगती हैं। मनोरंजन के भी अनेक साधन रहते हैं। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं, नृत्य, रासलीला और
आदिवासियों के लोकगीत भी वातावरण को सरस बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन महंती जी की सवारी निकलती है। पूर्णिमा को आदिवासी लोग अधिक संख्या में मेले में आते हैं और मृत परिवारजनों के जो अस्थियां होती हैं उनको संगम में प्रवाहित करते हैं और मृत परिजनों की अस्थियों को संगम में प्रवाहित करते हैं, बहाते हैं। अगला प्रश्न है, बालक ही नहीं बालिकाएं भी, जवान ही नहीं बूढ़े भी, गरीब ही नहीं अमीर भी, सब तरह के लोग थे। वाक्य में ही भी का प्रयोग हुआ है। आप भी ऐसे पांच वाक्य बनाइए जिसमें ही और भी का प्रयोग हुआ हो। उत्तर होगा, सम्मेलन में हिंदू ही नहीं मुसलमान और ईसाई भी आए हैं। फिर अब शहरों में ही नहीं गांवों में भी बिजली पहुंच गई है। फिर है, अब तो रात ही नहीं दिन में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। फिर है, मोहन ही नहीं सोहन भी दुर्घटना में घायल हुआ। अब लड़के ही नहीं लड़कियां भी सेना में प्रवेश ले रही हैं। आपका अगला प्रश्न है, माऊजी महाराज द्वारा लिखित पांच ग्रंथों को चौपड़ा कहा जाता है। दिवंगत लोगों की अस्थियों को फूल कहा जाता है। मिट्टी से निर्मित छोटे बर्तन को सवोई कहा जाता है जिसमें आदिवासी अपने पूर्वजों की अस्थियां रखते हैं। आंचलिक भाषा में ऐसे अनेक शब्द प्रचलित होते हैं जो एक विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। अपनी भाषा से ऐसे कुछ शब्दों का चयन कर उनके अर्थ लिखिए। उत्तर होगा, बेला कांसे का कटोरा, कठौता काठ का बर्तन जो आटा मारने के काम आता है। मौरा कहते हैं बालक या लड़का। मंगला कहते हैं मंदिरों में प्रातः काल के प्रथम दर्शन। कीड़ा सांप के लिए प्रयोग होता है। ठेक कहते हैं ढालू गली की सबसे ऊंची जगह। तो बेला क्या होता है, कांसे का कटोरा। कठौता होता है काठ का बर्तन जो आटा मारने के काम आता है। मौरा कहते हैं बालक को या लड़के को। मंगला कहते हैं मंदिरों में प्रातः काल के प्रथम दर्शन। कीड़ा सांप के लिए प्रयोग होता है और ठेक कहते हैं ढालू गली की सबसे ऊंची जगह। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बेलेश्वर में बेल के पेड़ अधिक होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ दैत्यराज बलि ने यज्ञ किया था। दैत्यराज बलि की अंतर कथा ढूंढ कर पढ़िए। आंसर होगा, बेल, बेल मतलब होता है बांस के पेड़। बांस के जो पौधे होते हैं उनको कहते हैं बेल। तो दैत्यों के राजा बलि बहुत पराक्रमी और दानी थे। उन्होंने पृथ्वी के अलावा स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे स्वर्ग से बलि का अधिकार समाप्त करें ताकि वे फिर स्वर्ग में सुखपूर्वक रह सकें। तब भगवान विष्णु ने एक बामन मतलब बौना ब्राह्मण का वेश धारण कर और बलि के यहाँ पहुंचकर उससे तीन चरण भूमि का दान मांगा। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उससे समझाया कि ये विष्णु हैं, तुमको छलने आए हैं, इन्हें दान मत दो। लेकिन जो बलि थे उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। बलि द्वारा भूमि दान दिए जाने पर बामन स्वरूप ब्राह्मण स्वरूपधारी विष्णु ने क्या किया, अपना विराट आकार धारण कर लिया और बलि को उसके राज्य से वंचित कर पाताल भेज दिया। फिर जो आपका आखिरी प्रश्न है वो आप अपने आप करेंगे, इसमें आपको संग्रह करना है। तो इस तरह के प्रश्न नहीं आते एग्ज़ाम में, तो ये आप अपने आप कर लीजिए। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असे एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।